सब्सक्राइब टैग टीवी चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। एक बड़ी खबर आई है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया आज और उनसे वैक्सीन भी मांगी इसके साथ साथ क्लाइमेट के जो इश्यूज़ हैं वो ग्लोबल उन पे भी बातचीत की और बहुत सारे मामलों में जो कोऑपरेशन है म्यूचुअल कोऑपरेशन है उस पे बातचीत की ये दोनों बड़े लीडर्स की बातचीत बहुत सारे ऐसे डिवेसिव एलिमेंट्स के मुँह पे तमाचा है ख़ास तौर परफार्मेंस प्रोटेस्ट के सिलसिला में यहाँ पर जिस तरह के ड्रामे रचाए जा रहे हैं उन सब ड्रामे रचाने वालों को एक बहुत ही मुँह तोड़ जवाब है दोनों मुल्कों के हेड ऑफ़ द स्टेट्स का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो का भी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी कि हमारी दोस्ती बेमिसाल है और जहाँ जहाँ हमें कोऑपरेशन करनी है वो कोऑपरेशन भी होगी आज के बिला तकल्फ़ तैजिए में इसके साथ साथ मैं बातचीत करूँगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो फार्मर्स बिल के हवाले से और प्रोटेस्ट के हवाले से जो आज ही भारत की पार्लियामेंट में बातें की बहुत ही इम्पॉर्टेंट भारत की डेमोक्रेसी जिस तरह आगे जा रही है और हमेशा से जिस तरह वाइब्रेंट रही है उसका एक मुँह बोलता सबूत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज पार्लियामेंट से ख़ताब और इसके साथ साथ उन्होंने जो दो रोज़ पहले खराज तहसीन पेश किया गुलाम नबी आज़ाद को या शरद जी को और जो रिटायर्ड होने वाले दूसरे लेजस्लेटर्स हैं उनको इससे अंदाज़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के जमहूरी सफ़र को किस तरह दो कदम नहीं बल्कि चार कदम आगे लेकर जा रहे हैं और इस पर मैं थोड़ा सा तजिया करूँगा कि आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ ये प्रोपागेंडा इतना जहरीला क्यों होता रहता है उसकी क्या साइकी है उसका क्या एजेंडा है ये हैं आज के बिला तकल्फ़ सबसे पहले अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर आज ही बातचीत हुई और उस बातचीत में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए ये देखिए ट्वीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वी वॉज हैप्पी टू रिसीव अ कॉल फ्राम माई फ्रेंड जस्टन ट्रूडो ए शोड हिम that India would do its best to facilitate supplies of COVID vaccines sought by Canada. We also agreed to continue collaboration on other important issues like climate change and the global economic recovery. Do you know hi bahut important issues hain. Bahut important issues hain. the, pandemic ne पूरी दुनिया को हिट किया उसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत इम्पॉटेंट है और कैनेडा और इंडिया का साथ एक दूसरे को बहुत ही वाइटल चाहिए और ख़ास तौर पर मैं दावे से कहता हूँ कि कैनेडा को जितना इसका फ़ायदा होगा उसका हम कैनेडियंस जितना भी शुक्रिया अदा करें अगर दोनों की जो लीडरशिप है सही रास्ते पर कैनेडा इंडिया के टाइस को लेकर चले। इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन के सिलसिला में मैंने अभी दो रोज़ पहले ही अपने न्यूज़ शो में खुल कर कहा था कि कैनेडा के कंजर्वेटिव पार्टी के जो एम हैं वो खुल के ये कह रहे हैं डिमांड कर रहे हैं जस्टिन टूडो से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपका रबता क्यों नहीं हो रहा हम क्यों दुनिया भर से वैक्सीन लेने के लिए दर बदर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि कितनी वैक्सीन मिलेगी अल्टीमेटली दो दिन बाद ये अच्छी खबर आज खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रबता कर लिया वैक्सीन जो है वो भी इसी पेंडेमिक के साथ जुड़ी हुई है इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है और तीसरा जो विषय जिस पर दोनों लीडर्स ने बात की वो ग्लोबल क्लाइमेट जो क्लाइमेट इशू है उस पर बातचीत की बहुत ही इम्पॉटेंट है वो भी इशू इंसानियत की जो आगे की, आगे की फ्यूचर है जो आगे की आने वाली नस्लें हैं उन सब के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स को क्लाइमेट के इश्यूज़ पर सर जोड़कर बैठना है इन तीनों इशू पर बातचीत हुई यहां पर एक्सट्रीमिस्ट जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है उनकी ये कोशिश है कि वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर ये सेलिब्रिटीज को देके उनकी पीआर फर्मों को दे के सुपर बॉल पे एड चला के शायद इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप खराब कर देंगे वो हमें पता है कि कैनेडा की पॉलिटिक्स में भी जो एक ख़ास तरह का एथनिक वोट बैंक है या जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड है वो बहुत बुरी तरह खेला जा रहा है उसका खुमियाज़ा भी हम कैडिडियस को भुगतना पड़ता है कि जो बैगेज है फजूल का बैगेज वो हम यहाँ पे भी देखते हैं मगर सवाल ये पैदा होता है कि मिलियज एंड मिलियंस डॉलर लगा लेने के बाद भी उन एक्सट्रीमिस्ट्स को वो कुछ नहीं मिल रहा अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की खुद फ़ोन किया इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये भी नहीं है कि भारत से कोई फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए ख़ुद फ़ोन किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ही अच्छी खबर है और इससे वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे हैं और मिलियंस डॉलर मसूम लोगों को गलत आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वर्गला या वसूल करते हैं और ख़र्च करते हैं वो सारे का सारा ज़ाया हो रहा है ज़ाया होना भी चाहिए इसलिए कि ना तो हमारी जो सिख कम्युनिटी है ऐसा चाहती है ना ही कैनिडियज एट लार्ज ऐसा चाहते हैं बहुत ही बढ़िया लोग हैं हमारे अपने पंजाबी बहन भाई मैं ख़ुद पंजाबी हूँ बहुत ही उम्दा लोग हैं जब मैं पंजाबी कहता हूँ तो चार बड़ी फेट कम्युनिटीज़ पंजाबी कम्युनिटीज़ में आती हैं क्रिश्चन कम्यूनिटीज़ हिंदू कम्यूनिटीज़ और इसके साथ साथ मुस्लिम कम्यूनिटी और सिख बहन भाई चारों बहुत बड़ी फेथ कम्यूनिटीज़ हैं पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है कि पंजाबी सिर्फ एक ही फेथ ग्रुप के हैं सभी के हैं हम सब ने एक साथ आगे बढ़ना है हम सब का डी एन एक है हम सब की जेनेटिक्स एक है फेथ भले से अलग अलग हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो पंजाबी कम्यूनिटी भी कैनेडा में बसने वाली पंजाबी कम्यूनिटी वो भी आज इस अच्छे जो है कैनेडा इंडिया के रिलेशनशिप पर अच्छा महसूस कर रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बहुत प्रापागेंडा होता है और मेरे ही शो में दो तीन रोज़ पहले हमीद बशानी ने बहुत अच्छी बात की थी बल्कि उनका अपना थर्ड ओपिनियन का शो था हम दोनों ने मिलकर वो शो किया उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से जिस तरह का प्रोपागेंडा पाकिस्तान करता है या इवन आर एस एस के हवाले से जिस तरह का प्रोपागेंडा पाकिस्तान या लेफ़्ट की कौतें करती हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल गलत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलाशुबह एक अच्छे दोस्त हैं मुसलमानों के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं सिखों के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं उस रीजन के ही भी पाकिस्तान वो ख़ुद गए थे इमरान खान के आने से पहले जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी उनसे मिलने गए थे 2015 में दोस्ती का पैगाम लेकर मगर बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का अपना माइंडसेट है उसकी वजह से वो दोस्ती नहीं हो सकी और इस पर तो मैं अभी बाद में तबसरा करूँगा मैं पहले फार्मर्स बिल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत की है मैं उसको ज़रूर यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ पार्लियामेंट में उन्होंने जो बात की फार्मर्स के हवाले से आज ही पहले एक वीडियो क्लिप देखी है फिर मैं आपको अपनी कमेंट्री पेश करता हूँ ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ही तीनों कानून लागू किए गए थे बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुई कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है यह सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है इतना ही नहीं एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फार्मर्स बिल के हवाले से कहा कि ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमने इसको पास किया और चूँकि उनकी मेजोरिटी है और वो कहते हैं कि इसमें जो भी कुछ है वो कुछ भी फार्मर्स के ख़िलाफ़ नहीं है प्रोपरगेंडा किया जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ये बातचीत कर रहे थे तो इस बातचीत के ख़िलाफ़ एक हल्ला गुल्ला भी हुआ जो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है भारत की जो डेमोक्रेसी हम सब समझते हैं बहुत इमोशनल भी है और बहुत नोइजी भी है बहुत शोर है उसमें लेकिन वो बहुत ट्रू डेमोक्रेसी भी है ऐसी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना शायद वेस्ट में भी मुमकिन नहीं है कि इतना ज़्यादा शोर शराबा के बाद भी सब लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं वो तो मैं मंजर आपको दिखाऊंगा ही लेकिन पहले जो हल्ला गुला का मंजर हुआ वो भी आप देख लीजिए पार्लियामेंट में क्या हुआ और उसको किस सलीके के साथ भारत की पार्लियामेंट ने हैंडल किया देखिए प्लीज प्लीज जी अब ज्यादा हो रहा है अधि रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है अब ज्यादा हो रहा है मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया और और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी बाबा क्यों इतना हाँ दादा देखो मैं बता दिया चिंता मत करो मैंने बता दिया <laughs> अधीरंजन जी प्लीज अधीरंजन जी अच्छा नहीं लगता है मैं इतना आदर करता हूं आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते अरे भाई हद हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप प्लीज अधीरंजन जी प्लीज मान्य सदस्य दादा प्लीज नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है ऐसे कानून है उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता हां ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है व्यूर्स आपने भारत में जो एक विरोध है पार्लियामेंट के अंदर उसका मंजर देखा तमाम तरशोर के बावजूद एक प्लेजेंट एनवायरमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए कहा कि अजय रंजन जी आप क्यों इस तरह शोर शराबा कर रहे हैं आपको शोर शराबा करने से जो पब्लिसिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी आप चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी से ज़्यादा आपको मिल जाएगी पब्लिसिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हंसते हंसते एक ही तीर से दो शिकार कर गए ममता बनर्जी को भी वार कर दिया कि भाई आपसे ज़्यादा पब्लिसिटी ले जाएंगे अजय रंजन जी अजय रंजन जो भी को भी कह दिया कि आप जरा थोड़ा सा सब्र कीजिए बात सुनिए और अजय रंजन जी को भी पता है कि सिचुएशन क्या है तो यह है भारत का डेमोक्रेसी का असल रूप मगर प्रोपागेंडा बहुत खिलाफ है उस प्रोपोगेंडा के हवाले से हम बातचीत करेंगे थोड़ा आगे चलकर लेकिन पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिस पे वो बताते हैं कि ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है इसके पीछे एजेंडा क्या है ये सब पॉलिटिक्स होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी समझते हैं अपोजिशन भी समझती है दुनिया भर के पॉलिटिशन इस तरह की बातों को समझते हैं हम जो उनके हामी या उनके ख़िलाफ़ लोग होते हैं ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं और अपने अपने तौर पर एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कनाडा अमेरिका में रहते हुए ये जाने बगैर कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आपस की रिस्पेक्ट करना जानते हैं एक दूसरे के साथ वो विरोध भी करते हैं मगर दे अंडरस्टैंड कि वो एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सिचुएशन को जिस तरह आगे पेश किया वो वीडियो क्लिप देखिए ये ये हो हल्ला ये आवाज ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा और इसलिए हो हल्ला करते रहो जैसा बाहर करते वैसा अंदर भी करते रहो यही खेल चलता रहा है लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे मान के चलो मान्य अध्यक्ष जी ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहूंगा कि पहले जो हक उनके पास थे जो व्यवस्थाएं उनके पास थी उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या इसकी चर्चा उसका जवाब कोई देता नहीं है सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना क्या हुआ है एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है वो भी क्या कंपलसरी है किसी कानून का विरोध तो तब मायदा रखता है कि जब वो कंपल्सरी हो ये तो ऑप्शनल है आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए ये व्यवस्था की गई है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के इस हिस्से में वाज तौर पर कहा कि ये हल्ला गुल्ला बाहर भी हो रहा है अंदर भी आप कर रहे हैं बिल को तो समझिए वो फार्मर्स को भी कह रहे हैं कि आपको कोई इसका नुकसान नहीं है सिर्फ प्रोपागेंडा किया जा रहा है इस सिलसिला में भारत की जो सिख कम्यूनिटी के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी लिख रहे हैं कि भाई इस बिल को तो पढ़ लो और फिर फार्मर्स बिल के साथ सिर्फ और सिर्फ हम जो सिख कम्यूनिटी है उसको ही क्यों जोड़ते हैं पूरा भारत है पूरे भारत के फार्मर्स हैं ये कैसे हो गया कि सिर्फ पंजाब में ही फार्मिंग होती है पूरे भारत में फार्मिंग होती है तो बहरहाल ये जो यहां पर इसको हाईजैक किया गया है इन प्रोटेस्ट को और जिस तरह डी करने की कोशिश की गई कैनेडा इंडिया के रिलेशनशिप को वो तो आज आपने देख लिया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो ने खुद ही फोन किया वो तो मुंह पे तमाचा है उन एक्सट्रीमिस्टों के वहाँ अमेरिका में भी वो पैसे वैसे दे के शोर वही हल्ला गुल्ला कर कर आ के वहाँ पर भी कुछ सेलेब्रिटीज़ को आ, कर लेते हैं या मीना हैरस जैसी जो वहाँ की पोलिटिकल फैमिली है कमला हैरस की नी से भी ट्वीट डलवा देंगे मगर देशों के बीच तल्लकात इन ट्वीट्स की बेस पर नहीं बना करते हैं वो बहुत गहरे होते हैं बहुत डूंगे होते हैं बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक उसमें डेप्थ होती है उसके बेस पे वो चलते हैं ये जो ऊपर के हल्ले गुल्ले होते हैं ना इससे आप दो चार दिन के सुपर बॉल में एड तो चला लेंगे इससे आगे कुछ नहीं होता आगे वही देशों को करना होता है आपस में जो देशों को एक दूसरे के साथ लेकर चले बहरहाल भारत कि के कनाडा के साथ या अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ किसी भी कंट्री के साथ ऐसे तल्लत तो है नहीं कि किसी भी कंट्री को भारत से थ्रेट महसूस होती हो आज मैं शो में चाइना का एजेंडा नहीं लाया वो भी एक ऐसे ही मैं बता देता हूँ आप सबको पता होगा ख़बर का कि चाइना ने भी आज तय कर लिया कि भारत के साथ जो एस्केलेशन है उसको अब कम करना है और बहुत महीनों बाद की मीटिंग्स के बाद आज चाइना ने भी अपने जो टैंक हैं वो वापस करना शुरू कर दिए हैं ये एक अलग बहुत बड़ी ख़बर है इस पर मैं आ, आने वाले में तफी बातचीत करूंगा तो देश समिति होते हैं कि उनके आपस में इंटरेस्ट कहा जवाब भी बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या इवन आरएसएस की तरफ से भी नहीं होता वो कहते हैं कि यह प्रोपेगेंडा खुद ही अपनी वक्त खो देगा चूंकि उनको यह साहस है वो तो मैं और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि जवाब दिया करें लेकिन उनके ऑफिसर्स का कहना होता है कि हम इनको इग्नोर ही करेंगे दोज प्रोपागैंड डू नॉट मैटर टू अस ये एक रियलिटी है कि वो प्रोपागेंडाज़ वाकई उनके लिए मैटर नहीं करते वो बस बबल होते हैं ख़त्म हो जाते हैं लेकिन बहरहाल मेरा फिर भी ओपिनियन यही है कि हमें अपना नेरेटिव सेट करना है क्योंकि ये प्रोपागैंड ना रुकने वाले हैं अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से ही जो प्रोपागेंडा होता है जी मुस्लिम्स के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है सिख्स के साथ नहीं है ये इतना बड़ा जोक है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दो रोज़ पहले ही जिस तरह ग़ुलाम नबी आज़ाद को अपोजिशन लीडर थे कांग्रेस की तरफ से कश्मीरी लीडर थे जिस तरह खराज तहसन पेश किया उनके जो रिटायरमेंट पर वो मंज़र पूरी दुनिया ने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो पड़े ख़ास तौर पर गुजरात से गए हुए उन यात्रियों को जो कश्मीर की यात्रा पर गए थे 2006-7 में जब उन पर अटैक हुआ था टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड आए हुए थे उनका जो अटैक हुआ था जिसमें पांच गुजरात के यात्री मारे गए थे उनको भी याद करके और गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनका रिलेशनशिप है उनको भी याद करके रो पड़े थे भारत की डेमोक्रेसी में अगर आपको याद होगा तो अक्षय कुमार को जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था लास्ट इलेक्शन से पहले तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की थी उन्होंने कहा था कि मुझे तो ममता बनर्जी भी कुर्ते बेचती हैं तो हमारी आपस में उन्होंने कहा पोलिटिकल राइवलरी अपनी जगह पर लेकिन वो कितना उनको ख्याल करती हैं उनको पता है कि किस जेस्टर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडर हैं इसी तरह गुलाम नबी आज़ाद का तब भी उन्होंने उस इंटरव्यू में जिक्र किया था आज भी गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट में बैठ के उनको सलाम करते हैं रिटायर होने के ऐलान के वक्त इवन शेख फारूक अब्दुल्ला भी आए हुए थे दो रोज़ पहले पार्लियामेंट में जो बहुत विरोध करते हैं उनका हक होता है पॉलिटिक्स पौल, में डेमोक्रेसी में अगरचे उस विरोध में वो ओवर द बोर्ड जाते हैं गलत बातें करते हैं जिसको मैं भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ लेकिन भारत की डेमोक्रेसी इतनी जानदार है कि ये सब लीडर आपस में बैठ के बात करते हैं और अब मैं एक मंजर आपको दिखाता हूँ वही जो आपने देखा होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ने हराज तहसीन पेश किया ग़ुलाम नबी आज़ाद को और गुलाम नबी आज़ाद ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्रिया अदा किया देखिए ये वीडियो क्लिप सिमान गुलाम नबी जी मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते हैं ये ये छोटी बात नहीं है जी ये बहुत बड़ी बात है जी वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना ये सब मोह किसी को भी हो सकता है लेकिन उन्होंने सदन से मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है प्रधानमंत्री के भी आंखों में आंसू आ गए जब वो फेयरवेल की बातें कर रहे थे कैसे देखते हैं मैं धन्यवाद उन सबका करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इंसान को सुपरफिशली जज करते हैं और बहुत सारे लोग इंसान को पूरा इनडेफ पूरे से समझते हैं तो जो सुपरफिशली हमको देखे हैं या समझे हैं तो उनकी समझ में नहीं आया जो बुल्के बिल्कुल ध्यान लगा के हमको हमारे काम को हमारे कार्य कार्यों को देखे हैं तो हमारे स्वभाव को देखे हैं तो ज़रूर वो सब भाविक हो गए तो गुलाम नबी आज़ाद जी ने बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा कि जो लोग सुपरफिशियल देखते हैं दूसरों को उनको समझ नहीं आती जो इन डेप्थ देखते हैं उनको पता चलता है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुपरफिशियल देखने वाले या अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले या अपनी राजनीति करने वाले उनके खिलाफ उनके प्रोपागेंडे के सर पर पॉलिटिक्स करने वाले वो उनको ऐसा ही देखते हैं यही काम एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं अब इन एक्सट्रीमिस्टों से पूछे कि कौन सा मोमेंट था कौन सा लमगा था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जी द ग्रेट के बारे में या किसी भी गुरु के बारे में कोई हल्का सा भी शब्द कहा इवन सिख कम्युनिटी के बारे में कहा वो तो हमेशा इज्जत एहतराम रेवरेंस और मोहब्बत में ही जिक्र करते रहे आप स्क्रीन पे देखेंगे ये इस वक्त सोशल मीडिया पे भी व, 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 कर रहा है और इसमें देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अगर कुछ पॉइंट्स देखें आप तो उन्होंने कहा कि ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही स्टार्टेड हिज स्पीच इन ऑस्ट्रेलिया बाय कोटिंग धन गुरु नानक देव जी व्हेन होल वर्ल्ड मीडिया वाज कवरिंग अदर थिंग्स ही प्राउडली मैंशनड अबाउट सिख गुरुज एंड देयर टीचिंग इन टाइम्स न्यूयॉर्क स्पीच वैन ईच एंड एवरी मीडिया कैमरा वाज फोकसिंग ऑन हिज वर्ड्स He created history by opening route to Shri Kartarpur Sahib, which Manmohan Singh couldn't even dare to think of as Prime Minister. करतार सिंह की बात हो रही है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी क्रेडिट उसमें जाता है और ये बात प्राइम मिनिस्टर नरिंद्रा मोदी ने भी की थी लेकिन करतारपुर सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्रेडिट से नहीं खुला ये प्राइम मिनिस्टर नरिंद्रा मोदी का क्रेडिट भी उतना ही है उसमें उनकी पार्टिसिपेशन भी उतनी ही है फिर ही ब्रॉट होप ऑफ जस्टिस टू बाय एटी फोर कुमार बिहाइंड आयरन बार्स ही रिमूव नेम्स ऑफ सिक्स फ्रॉम द ब्लैक लिस्ट डेट कांग्रेस कैप्टन इफेक्ट फॉर थर्टी सिक्स इयर्स ही डायरेक्टेड ऑल वन थर्टी सिक्स इंडियन कॉन्सुलेट्स अराउंड द ग्लोब to celebrate guru nanak dev ji's birthday and spread his teachings he approved fcra registration for golden temple resulting in international donations to golden temple he appealed unesco to translate guru nanak ji's writings to other international languages he did special arrangements to bring back 236 families from afghanistan यह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रवैया अपने सिख बहन भाइयों के लिए और सिख बहन भाई भी समझते हैं उनकी अक्सरियत समझती है मगर क्या करें उनका जो चीज़ों को सुपरफिशल देखते हैं और ख़ास तौर पर क्या करें उन एक्सट्रीमिस्ट का जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इसी दुकानदारी पर है बहरहाल वो ये काम तो करेंगे आखिर में मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा उस रीजन के हवाले से पाकिस्तान की जो उस रीजन में एक तरह से पीस को ना लाने की अब तक की जो रुकावटें पाकिस्तान की तरफ से खड़ी की जाती रहीं उसके हवाले से आप सब देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इर्द गिर्द के जितने देश हैं उनको तो मुफ्त फ्री वैक्सीन दे रहे हैं चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो श्रीलंका हो अफगानिस्तान हो अफ़ानस्तान ने इतना शुक्रिया अदा किया दो दिन पहले ही पाकिस्तान को भी मिल सकती थी वैक्सीन लेकिन जो टेम्परेचर है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का एंटाई इंडिया वो सुबह शाम रहता है उनकी ख्वाहिश भी है कि इंडिया से दोस्ती हो जाए जैसे पहले हुआ करती थी कि इधर से वो वफद आ रहा है अमन की आशा इधर से आ रही है उधर से जा रही है और साथ साथ वो बम भी फाड़े जा रहे हैं अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब ऐसा नहीं होगा दोस्ती बारूद और गोली की फजा में नहीं हो सकती ये समझना पाकिस्तान को पाकिस्तान को अपने अंदर भी स्टेबिलिटी लाना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना है आपके सामने है कि भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमला कर दिया एक्सट्रीमिस्टों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे उनके अंदर घुसकर उन बेचारों को भी बदनाम किया हमला कर दिया लाल किला पे और वहाँ पे जहाँ भारत का तिरंगा लहराया जाता है वहां पे अपना तिरंगा तो लहरा ना सके अपने देश का भारत का उन्होंने अपना वो खालसा और कुछ कहते हैं खालिस्तान के झंडे लहरा दिए इस सब के बावजूद 300 से ज़्यादा जख्मी हुए इंजर्ड हुए बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए पुलिस के लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोली नहीं चलने का हुक्म दिया वो आज भी पार्लियामेंट में हंस हंस के इस इशू को हैंडल कर रहे हैं ये जानते हुए कि इनके पीछे एजेंडा क्या है लेकिन पाकिस्तान सी में हो या ये खालिस्तानी इशू हो इसमें अपना जो इन्वॉलमेंट करता है भारत को पता है अगर इस एजेंडे के साथ पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ मुजाक्रात हो तो वो तो अब नहीं हो सकते पाकिस्तान को समझना होगा कि ये बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो गरीब आवाम का फौज पे लगा रहे हैं पाकिस्तान की फौज का तो एक ही टारगेट है भारत और दूसरा टारगेट है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गरीब मासूम लोग हैं बलोच हो गए महाजर हो गए सिंधी हो गए पश्तून हो गए भारत टारगेट है टारगेट तो कर नहीं सकता भारत को पाकिस्तान ये बात तो तय है कोई मैच ही नहीं है पाकिस्तान और भारत का लेकिन अब फौज उस नाम पर रखी हुई है बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर लगा रहे हैं खा रहे हैं अब वो निशाना कौन बनते हैं जो नहते बलोच पश्तून सिंधी और महाजर और जो भी डेजिडेंट्स हैं इससे खुद पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि मैंने शुरू में कहा 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो खुद बगैर किसी दावत के उनके पास चले गए थे कि भाई मसले मसाइल खत्म करो लेकिन उससे कोई चंद रोज बाद ही वो आ, वहां पठानकोट का अटैक कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट ने तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी अंदाजा हुआ कि भाई दोस्ती तो इस तरह नहीं हो सकती कि हमें आप झांसा भी दें और बम भी फोड़ते रहें अब पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर 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 दुनिया को दिखावे के लिए और अपने ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कश्मीर कश्मीर कर रहा है हालांकि पाकिस्तान को खुद पता है कि यूनियन टेरिटरी जो बन गई है ये वो उसमें उसका कुछ लेना देना भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन फ़ौज के पास अपने ज़िंदा रहने का जस्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि हम कश्मीर कश्मीर की बात करते रहें वरना फिर इतनी बड़ी फ़ौज को पालने का क्या फ़ायदा इस पर पाकिस्तान की जो जज्बाती जज्बातीवाम है वो बस जज्बात में बहे चले जाती है नारे लगाए चले जाती है आपने देख लिया ऐसी वीडियो में कि गुलाम नबी आज़ाद जो कश्मीर में थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए के आर्टिकल पे बहुत विरोध करते थे खुद कश्मीर से भी तल्लक है कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं वो भी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ घीशा हैं, ठीक है उसमें वो बात करते थे वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता ही है आप वो शेख फारूक अब्दुल्ला भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं कि वो सब वो अपने आप को भारत का हिस्सा समझते हैं आपको बीच में स्टुपट स्टेटमेंट दे देते हैं ऑन एंड ऑफ शेख अब्दुल्ला की फैमिली के लोग भी तो दैट्स ओके पॉलिटिक्स का हिस्सा है लेकिन ये बात पाकिस्तान को अब समझनी चाहिए कि उस रीजन में चीन के साथ आप पींगे बढ़ा के वैसे ये मुझे भी पता है कि चीन के साथ पींगे पाकिस्तान की हुकूमतें बढ़ाना नहीं चाहती उनको पता है कि, कि कितनी बड़ी कीमत उनको अदा करना पड़ेगी लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है ना अमेरिकन अब साथ हैं ना अरब साथ हैं और इंडिया भी बहुत अब फर्म हो चुका हुआ है इस सिलसिला में पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ बदलना होगी और ये जो झूठा प्रॉपोगेंडा है मोदी जी के ख़िलाफ़ आर एस एस के खिलाफ बिल्कुल यूज़लेस है मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ टी वी एंकर हूँ मैं पाकिस्तान भारत दोनों को जानता हूँ मुझे यह पता है कि अगर पाकिस्तान ये अपना रवैया बदल ले छोटा मुँह बड़ी बात है मैं उस रीजन में अमन के लिए ख़ुद रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भारत की इस्टेबलिशमेंट से सरकारों से कि अब वाकई पाकिस्तान में इश्योरेंस है कि ये नहीं कुछ एहकाना स्टेप्स करेंगे लगता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात लेकिन मैं भी इस पोजीशन में हूं लेकिन आप अपनी विलिंगनेस तो दिखाएं आप यह तो दिखाएं कि आप कुछ कर सकते हैं तो फिर मेरे जैसे लोग भी सच्ची अमन की आशा लेकर अपनी ही सिविलाइजेशन भारत के पास जाएंगे और उस रीजन में अमन को कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की को सिंसियर होना होगा आज का बिला तकल्फ तजिया गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन